हेलो दोस्तों, प्रभात एंड कीजिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पावर बैंक है उसका। आइए चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं एमआई का पावर बैंक 3i 10,000 mAh 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग देता है ये। आइए देखते हैं, पूरा अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। चलें दोस्तों, चलें दोस्तों अब हम इसे खोल लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास ये ब्लू कलर में मैंने मंगवाया था। इसको निकाल लेते हैं बाहर और ये कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर पावर बैंक कभी भी नहीं देखा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। देखिए कितना एलिगेंट भी लग रहा है। और बॉक्स में इसके साथ एक यूएसबी केबल दी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देख लीजिए, ये यूएसबी केबल है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बॉक्स पे ये फ्रंट में ये स्क्रैच लेबल दिया गया है, जिसको आप स्क्रैच करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा, जिसको आप इस साइड पे डालेंगे जो कि इन्होंने दी हुई है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये आपका पावर बैंक फेक है या ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये मैं साइट का भी आपको बता रही हूँ, लिंक दे रही हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं ये वाले पावर बैंक का इतना वेट भी नहीं है, बिल्कुल ये हाथ में आ जाता है इजीली। मैंने फ़ोन के साथ आपको रख के दिखा रही हूँ इसलिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका साइज़ कितना है, और साथ में इसका बिल्कुल भी वेट ज़्यादा नहीं। आप इसको जीन्स में कैरी कर सकते हैं, आपके पर्स में कैरी कर सकते हैं इजीली, बहुत ही ईजी है इसको कैरी करना, तो आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। दोस्तों इसका वेट बहुत ही कम है, देख सकते हैं आप, और कितना अच्छा लगता है हाथ में भी पकड़े हुए, आप देख ही रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जो इस पे आप ये बटन देख रहे हैं, ये पावर बटन नहीं है जिससे ऑन ऑफ होता हो, इसके बजाय ये इंडिकेटर बताता है कि आपके बैटरी में कितना चार्ज है, उसकी परसेंटेज को बताता है। जो भी ये चार लाइट्स हैं ब्लिंक होती हैं, अभी एक हो रही है, देखिए इसका चार्ज कम है, तो इसलिए ये पूरा आपको बताएगा कि कितना आपकी बैटरी में कितना चार्ज है अभी, बस ये ऑन ऑफ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे की ओर कॉन्फ़िगरेशन और बाकी सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते होंगे आपको दिख रहा है क्लियरली, तो देख लीजिए इसके डिटेल में, इसके नीचे पावर बैंक के सारा कुछ लिखा है। दोस्तों जब मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया इस पावर बैंक से, मेरा फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो गया, ये फास्ट चार्जिंग देता है। फ्रेंड्स ये मैंने चार्जिंग पे लगाया है अभी पावर बैंक को, ये लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। देखिए आपको शायद इसमें दिख रहा है आगे, और यहाँ पे 3 लाइट्स हो रहे हैं, टोटल 4 लाइट्स यहाँ पे होंगी। 4 लाइट्स ऑन मतलब 100% चार्ज, 3 मतलब 75%, 2 मतलब 50%, 1 मतलब 25%। अभी ये डाउन था जब ये पार्सल आया, जब पैकेज रिसीव किया मैंने तो बैटरी डाउन थी, बस ऑन हुआ तो बंद हो गया। तो अभी देखिए चार्जिंग पे लगाया है और चार्ज हो रहा है। इसके साथ ये बटन देख पा रहे हैं आप, अगर आपको कोई छोटा गैजेट चार्ज करना है जैसे कि बैंड, स्मार्ट वॉच, तो इसको 2 दफ़ा दबाएंगे तो कम आउटपुट पावर देगा चार्ज करने के लिए, वरना इसकी चार्जिंग 18 वॉट्स की है फास्ट चार्जिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स देखें ये 25% चार्ज हो चुका है ये पावर बैंक। अब ये सेकंड वाली लाइट ब्लिंक हो रही है, जब ये हो जाएगी थर्ड वाली ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप अब क्लियरली देख सकते हैं कि थर्ड लाइट जो ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है 75% चार्ज होने वाला है ये पावर बैंक। दोस्तों देखिए अब ये फोर्थ लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये 3 लाइट जो दिख रही है 75% चार्ज हो चुका है। फोर्थ लाइट जो देखिए ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये 100% चार्ज होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है ये जो, ये देखिए दोस्तों ये चारों लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि 100% चार्ज हो चुका है हमारा पावर बैंक। देख लीजिए दोस्तों, ये पूरे ढंग से चार्ज हो चुका है।
फ्रेंड्स देखें ये जो बटन है, अगर आप ये बटन दो दफ़ा दबाएंगे तो आपको कोई भी छोटे गैजेट्स हैं जैसे बैंड, स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा को चार्ज कर सकते हैं उनको। लो पावर आउटपुट देगा पावर बैंक, ये बटन आपको दो दफ़ा दबाना है, ठीक है। ये बटन देख सकते हैं दोस्तों आप, इसी को आपने दो दफ़ा ऐसे दबाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें मुझे एक ही बात जो पसंद नहीं आई वो ये है कि जो यूएसबी केबल इन्होंने दी है वो अच्छी तो बहुत है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो छोटी है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी लंबी होती तो केबल बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इन्होंने बहुत छोटी सी केबल दी है तो मुझे थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा ये सब, ठीक है दोस्तों। आप भी देख ही सकते होंगे केबल का साइज़ बहुत ही छोटा है। दोस्तों आजकल मोस्टली जो भी पावर बैंक्स आ रहे हैं उनमें सी टाइप चार्जिंग केबल दिया जाता है, लेकिन हमेशा रेडमी वाले माइक्रो यूएसबी ही देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों इस पावर बैंक पे मेड इन इंडिया का लेबल भी लगा हुआ है, ये दो कलर के वेरिएंट में अवेलेबल है, ब्लैक और ब्लू, जो कि मैंने मंगवाया है। इसमें एडवांस 12 लेयर चिप प्रोटेक्शन है। इस पावर बैंक से मेरा फ़ोन दो बार चार्ज हो जाता है। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ट्रैवलिंग में भी इजी हो गया है चार्जिंग को लेकर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी इसको लें, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैं कहूँगी आप इसको ज़रूर लें और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा आपको होंगे। मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये फ्री वीडियो है, ना किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ठीक है दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, साथ में हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों।